तो हम बात कर रहे हैं आईएसआईएस खुरासान, जिसने कल ब्लास्ट किया था, उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसी मुद्दे पर बात हो रही है और हमारे साथ अमेरिका, पाकिस्तान, भारत से एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जाने माने लेखक और स्तंभकार। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं। मेरे साथ सायरा बहन है, जो कि एक अफगान शरणार्थी हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं पूर्णिमा नाथ जी, जो कि एक पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्टर हैं। लेकिन सबसे पहले सीधे चलता हूं धार, मध्य प्रदेश, जहां से माही शर्मा मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। माही, क्या कहेंगी अफगानिस्तान के हालात के बारे में? जी नमस्कार दीपक जी, मैं भी आप ही के सुर में अपनी ताल मिलाना चाहूंगी कि सिर्फ तालिबान ही नहीं, अपितु विश्व के प्रत्येक आतंकवादी संगठन का गढ़ है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। और फिर जब तालिबानी सत्ता को स्वीकारने वाले देशों की सूची में अग्रिम नाम पाकिस्तान का हो, तो विश्व पटल पर भी पाकिस्तान तालिबान का सहारा बनता दिखाई दे रहा है। काबुल एयरपोर्ट से आई एक तस्वीर जिसमें एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को अमेरिकी सैनिक के हाथ इस आशा थमा रही है कि शायद उसकी जिंदगी बच जाए, तो ये दृश्य हमारी आंखों में अश्रु छलका देता है। और जहां तक मैं भारतीय दृष्टिकोण से देख पा रही हूँ, तो इस स्थिति पर भारत को भी अपना पक्ष जल्द स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो भारत का अफगानिस्तान में किया गया $3 बिलियन का निवेश खतरे में आ सकता है। और आज मैं न्यूज नेशन के माध्यम से पाकिस्तानी पत्रकार महोदया को बोलना चाहूंगी कि जिस सेना के पसीने छूटने की उन्होंने बात करी थी, आप जरा 1948-71 और कारगिल युद्ध का वो मंजर याद कीजिए कि किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अपनी दुश्मनी सेना के छक्के छुड़ाए थे। और जहां तक बात तालिबान, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माही आपके लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, सीधे चलता हूं जनरल तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, मुझे बताइए पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है किस बात पर? ये पाकिस्तान खुश नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में भी काफी लोग हैं जो खुश हैं। तालिबान काबुल के ऊपर फतह नसीब हुई है इनको, और इनके जहन में ये है कुरेदेंगे जितना भी, तो हिंदू दुश्मनी और हिंदुस्तान से नफरत जो हमारे स्कूलों में पहली जमात से हमें पता है, बताया जाता है कि नापाक कौन है, छुओ किसे, ग्लास का पानी नहीं पियो, इससे उठना बैठना मत करो, इट इज ड्रिल्ड इनटू आवर हेड। ऐसी बात नहीं है, आप देखिएगा कि ईरान से जो मुसलमान ये आते हैं उनके जहन में ये फतूर नहीं होता, ना अफगानिस्तान से जो आते हैं जिनसे मैं कईयों से मिला हूं दिल्ली में, उनमें ये नहीं होता। तो इनके जहन में ये है कि देखो हमने कैसे, आप इनके चेहरे पे मुस्कुराहटें देखिए कि लोग जहां मर रहे हैं वहां पाकिस्तानियों की एरोगेंस, वो खासतौर पर जो खातून आई थी वो अपर मिडिल क्लास के लोगों की, वो एक नए किस्म की इस्लामिज्म है कि देखा हमारी टीम जीत गई। ये समझते दुनिया में कोई रेस कोर्स मैदान है जिसमें कंपटीशन हो रहा है और उसके अंदर उनकी फतह हो गई है। दे हैव वेरी लिटिल आइडिया, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है या इंटेलिजेंसिया, एक दो लोग हैं परवेज हुड बॉय टाइप के जो समझते हैं, बाकी किसी को तारीख का भी नहीं पता। किंग अमानुल्ला पूछो तो इन्हें नहीं पता होगा कौन है, इनसे ड्यूरिन लाइन पूछो नहीं पता होगा। ये आज तक 50-60 हजार बलोचों को मारने के बाद भी इनका खून ठंडा नहीं होता है। हिंदुस्तान जब तक बलोचिस्तान की आजादी की मूवमेंट को मदद नहीं करेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान को यही एहसास होगा कि ये तो डरपोक लोग हैं, सब्जी खाने वाले हैं, ये हमसे क्या लड़ेंगे। आप 71 को भूल जाइए, कारगिल को भूल जाइए। आज आपको चाहिए हिंदुस्तान की लीडरशिप को कहें कि बलोचिस्तान में जो लोग मर रहे हैं, जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, वो आजाद मुल्क था जो हिंदुस्तान से मिलना चाहता था, हमने नहीं किया। वी विल सपोर्ट देम मॉरली एंड ऑन पेपर एट द यूएन एंड एवरीवेयर एल्स। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से बात कही। अब्दुल समद याकूब साहब, आपको लगता है कि भारत से आने वाले समय में आपको निसंदेह कोई ना कोई बड़ी चुनौती मिलेगी? देखिए तारिक फतेह साहब, नो डाउट एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, लेकिन ये फिर अगेन वही हो जाता है कि ये बहुत बायस्ड हो जाते हैं। ड्यूरल की बात करते हैं बार बार, ड्यूरल तो नहीं खेंची, वो ब्रिटिश ने खेंची थी ना, बिफोर पार्टीशन खेंची थी जी। वो आज का तो मसला नहीं चल रहा, 100 साल से मसला चल रहा है, तकरीबन लगभग कमोबेश 100 साल हो गए हैं उसको।
और जब वो 100 साल में पाकिस्तान को 75 साल बने हुए हो गए, अगर वो 75 साल में नहीं रिजॉल्व हुआ, हमारी तरफ से एक जो फैक्शन है वहां पे गवर्नमेंट का, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया था, अगर आप कहते हैं तालिबान नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, तो क्या वो ड्यूरेंट लाइन की बात करते हैं कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है उनके नजदीक, हमारे नजदीक नहीं, तो वो क्या कहते हैं कि जी हम प्रायोरिटी पे हम ड्यूरेंट लाइन क्रॉस कर लेंगे। और आज देखें, आज आप अपना स्टेटस को मेंटेन कैसे करते हैं, इसी तरह करते हैं, हमारे पास ताकत है, हम स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम भी अफगान आर्मी की तरह कमजोर होते तो यहाँ भी पाकिस्तान के भी टुकड़े हो जाते, और जिस तरह अफगानिस्तान वो छोड़ के, अब ये मेरी बहन अफगानिस्तान की ये बैठी है, जो के सारा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाई जा रहे हैं, बंदा इनसे पूछे कि आपके मर्द तो चंद डॉलर लेके इंफॉर्मेशन दिया करते थे, उन्होंने तो काम ही अमेरिकन फौज के लिए किया है, और वो जो फौजी जो पैसे लेके तनख्वाहों के ऊपर आए, 3,75,000 लड़े, वो नहीं बंदूकें उनके पास थी, टैंक उनके पास थे, अपाचे हेलीकॉप्टर उनके पास थे, लड़े वो नहीं, उसका गुस्सा आप हमें दे रही हैं। क्यों झूठ मतलब बोल रहे आप हैं? अपने लोगों को कहे, अपने मर्दों को क्यों कहे, ठीक है मैं जवाब लेता हूँ, सायरा से जवाब लेता हूँ, सायरा आपकी बात सुन के हंस रही है, लेकिन उससे पहले भाग्यश्री मेरी एक दर्शक जयपुर से, भाग्यश्री क्या कहेंगे अफगानिस्तान के हालात के बारे में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि आतंकवाद जो है ये एक वैश्विक बीमारी है, ये ना किसी धर्म को देखता है ना किसी देश को देखता है। आज पाकिस्तान के पड़ोसी देश काबुल जो कैपिटल है उसमें ये हुई है, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कल आप भी ये हो सकते हैं, तो कल बिल्कुल सही कहा आपने कि कल आप भी हो सकते हैं। लेकिन चलते चलते पूर्णिमा नाथ जी, क्या अमेरिका इस्लामिक टेरर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, यानी तालिबान के साथ कॉम्प्रोमाइज करके पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल रहा है, आपको लगता है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कैन डू दैट, उनका कोई ह्यूमन राइट्स के लिए कोई गोल्स नहीं है, ये हिपोक्रेट्स है, ये कुछ भी कर सकते हैं, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, इनका बयान पे कोई भरोसा नहीं करा जा सकता। बाइडेन, मैंने जैसे पहले कहा है, इज ए पपेट, ओबामा की आवाज से चल रहे, और हुसैन ओबामा ने अमेरिका का क्या हल कर दिया हम जानते हैं। यहाँ पे इन अमेरिकन लोगों को जो मारा गया है, इनका जो ब्लड बाइडेन के हाथ में है, आई होप ही इज इम्पीच्ड, नॉट रियली आस्किंग फॉर रिजाइन्स एट ऑल, फेल किया है अमेरिका को, फेल किया है ये जो सुपर पावर कहते हैं अपने आप को, इट्स अ शेम द वे उन्होंने निकाला है उनको, उनका जो इंटेलिजेंस सामने था, उनको जो डिसमिस किया है, उनका जो कोई प्लान नहीं था। अब अफगान क्या, अब अमेरिका क्या है, किसी को उनका कोई फिक्र नहीं है। अब तो मैं ये क्वेश्चन भी मैं डालूंगी आपके दर्शकों के सामने, अमेरिका क्या आईसिस के साथ मिलके ये करवाया है कि आफ्टर दिस बॉम्ब ब्लास्ट राइट अवे ब्लिंकन ने स्टेट डिपार्टमेंट में आके कहा है कि अफगानों के साथ हमारा कोई ये नहीं है, अभी अमेरिकन को निकालना है, कि क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब हुआ, तुमने फेंक दिया है 7 लोगों को, अफगान लोगों को फेंक दिया जो आपको हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, फेंकने की शुरुआत तो ट्रंप ने शुरू की थी, आप उनको कैसे क्लीन चिट दे सकती है पूर्णिमा जी, शुरुआत तो ट्रंप ने की थी, ट्रंप ने ही एग्रीमेंट किया था बिना अफगान सरकार को इन्वॉल्व किए। मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ, जो ट्रंप ने किया है निगोशिएशन वो कंडीशन के बिना किया नहीं है, ट्रंप वहां पे ब्लैक हॉक छोड़ के नहीं आया, ट्रंप वहां पे अफगानीज और अमेरिकन एलाइज को छोड़ के नहीं आया है, ट्रंप वहां पे तालिबान को इंतजार करके अब मारने नहीं गया है, तो आपको समझना चाहिए 20 इयर्स 2.2 ट्रिलियन डॉलर वहां पे एक्सपेंस हुआ है, 4 प्रेसिडेंट, तीसरे प्रेसिडेंट वो थे, बाइडेन तो वहां पे 8 साल थे ना पहले, वीपी के हिसाब से क्या उन्होंने घंटा की है, ठीक है। सीधा मैं चलता हूँ सायरा जी के पास, सायरा जी चलते चलते पाकिस्तानी भाई अब्दुल समद याकूब ने आपके लिए कुछ कहा था, जवाब देना चाहेंगे उनको? वो कह रहे हैं अफगान के लोग ही नहीं लड़े तालिबानियों से, हमें क्यों देश दे रही है आप? पहले तो देखो सर, एज अ मुस्लिम मुझे बहुत शर्म हो रही है कि एक मुस्लिम उठता है और बोलता है कि तालिबान वापी गई है, इस्लामिक निजाम आ रहा है, अफगानी डरपोक है, अफगानी क्यों पाकिस्तानों से लड़ी नहीं है। पहले तो मैं इन भाई को ये बोलना चाहती हूँ कि देखो आप मर्द हो, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अफगानियों के एक लड़की और पाकिस्तान के 5 मर्दों के बराबर है,
दूसरी बात अफगानी डरपोक नहीं है, और तीसरी बात जो है आप बोल रहे हो कि मतलब अफगानी बाकी चले गए पैसे लेके गए, आप लड़ी क्यों नहीं? पहले आप मुझे बताए, एक मुस्लिम के नाते और एक पड़ोसी मुल्क के नाते आप होते कौन हो आपसे ऐसे बात बोलने वाले? आप बताओ मुझे, बताओ आपकी मस्जिद में जो मौलवी साहब अपने शागिर्द के साथ जो कर रहा है, आपके स्वात और रावलपिंडी में जो हो रहा है, पहले आप वो क्यों नहीं रुकवाते? आप मुझे डरपोक कहते हो, मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि बहुत शर्म की बात है, एज अ मुस्लिम कंट्री आपके मुल्क में हो क्या रहा है? जितना पैसा आपके मुल्क में हो रहा है किसी यूरोपियन मुल्क में नहीं हो रहा। अगर हम मैं आप मुझे डरपोक बोल रहे हो तो पहले जाओ एज अ मुस्लिम अपनी कंट्री को थोड़ा पाक कर दो, जैसे आपने उसका नाम रखा है फशा से पाक कर दो, फिर आ जाओ आप बात करो अफगानिस्तान और अफगानियों के बारे में एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन। आप मुझे पता है कल जब जो बच्चे मरे थे वहां पे, वो आप लोगों ने मरवाए थे, उन लोगों का गुनाह क्या था? ठीक है, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा सहरा, मेरे पास वक्त इतना है, एक दिन फिर इस पर बहस करेंगे। लेकिन काबुल धमाके से साबित हो गया है आतंक का केंद्र पाकिस्तान ही है, यस कहना है 97% लोगों का। फिलहाल देश की बहस में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।